फ्रेंड, मैं मोनिका। और फ्रेंड, आज मैं अपने रसोई घर में बनाने जा रही हूँ शाही पुलाव। अब आप सोचोगे शाही पुलाव क्या है। शाही पुलाव आप जब भी बनाएंगे तो हम उससे बनाएंगे बासमती चावल से। बहुत से लोगों का कहना है कि बासमती चावल बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। बासमती चावल आप जो भी आजकल हमारे शहरों में शॉपिंग मार्ट होते हैं, विशाल मार्ट, बिग बाज़ार, तो आजकल हर जगह है। आप उनसे जाइए, वहाँ से इंडिया गेट बासमती चावल या जो भी बासमती चावल आपको पसंद हो वहाँ से आप परचेज करिए। हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसीलिए आप जो शाही पुलाव आज मैं अपने रसोई घर में आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे बासमती चावल से बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दोगुना होगा। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन देखने में भी बहुत यम्मी लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज कैसे बनाए बासमती चावल शाही पुलाव। शाही पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब बासमती चावल, मैंने इंडिया गेट बासमती चावल लिए हैं। इसे हमें 80 से 90% तक कुक करना है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। जैसे हम नॉर्मली चावल स्टीम करते हैं उसी तरह से आपको इसे स्टीम कर लेना है। मैंने चावलों को यहाँ पे स्टीम करके रखा है। मैंने एक छोटी कटोरी के करीब यहाँ पे काजू लिए हैं, एक छोटी कटोरी के करीब किशमिश लिए हैं, 2 बड़े चम्मच देसी घी है, 1 छोटी चम्मच जीरा है और 100 ग्राम के करीब हरे मटर है, और जिसे मैंने पानी में 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लिया था। अभी विंटर सीजन में फ्रेश मटर मार्केट में बहुत आ रहे हैं। अगर आपके पास मटर नहीं हो तो आप ड्राई फ्रूट से भी ये शाही पुलाव बना सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाही पुलाव बनाना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। देखिए घी गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को आप बीच में 2 टुकड़ों में काट भी सकते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। थोड़े से ब्राउन होने तक काजू को हमें इसे 1 मिनट तक भूनना है। देखिए मैंने इसे एकदम, जिसे हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस आधे से 1 मिनट तक। और अब इसे हम अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए काजू को हमने अलग कटोरी में निकालने के बाद गैस को हमने यहाँ पे धीमा कर रखा है। अब उसी कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आपको घी थोड़ा कम पसंद है तो आप अपनी पसंद से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गैस को हमें यहाँ पे मीडियम या स्लो ही रखना है, तेज नहीं रखना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा। देखिए हमें जीरा को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, हमें धीमी आंच पे हल्का सा जीरा, हमारा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू फ्राई किए थे उससे, किशमिश, और हमने जो मटर लिए थे जिसे हमने उबाले थे, मटर को हम इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को हमें आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी नमक। नमक आप अपनी पसंद से स्वाद अनुसार नमक हम इसमें लेंगे और काली मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बासमती चावल। सभी चीज़ें डालने के बाद में हमें जो बासमती चावल है, जो हम शाही पुलाव यहाँ पे बना रहे हैं, ये पुलाव अगर आप एक बार बनाओगे तो आपका बार बार यही बनाने का मन करेगा और ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। और आपके घर में कभी भी कोई स्पेशल पार्टी हो उसमें आप ये राइस बनाइए, बहुत यम्मी भी लगेंगे और देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सभी चीज़ों को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपको इसमें और भी जो ड्राई फ्रूट्स आपके बहुत फेवरेट हो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। और गैस को मैंने यहाँ पे धीमा किया है, धीमी गैस पे हम इसे 1 मिनट तक ढक के कुक करेंगे ताकि जो चावल है हमारे अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। 1 मिनट हो गई है और पुलाव बन के हमारे यहाँ पे शाही पुलाव बिल्कुल तैयार है और बहुत यम्मी खुशबू आ रही है। और आप इसे फ्रेंड ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शाही पुलाव आपको कैसे लगे। अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए एकदम गर्मा गर्म बासमती चावल से हमने बनाए हैं ये शाही पुलाव। ये खाने में बहुत यम्मी है, इसी तरह से आप इन्हें बनाइए और इन्हें इंजॉय।